दूसरे का टिफिन खाने से शुरू हुई दोस्ती का मतलब तब समझ आया जब पता लगा कि दोस्त का तो दूसरा नाम ही गाली है। कुत्ते की गाली से शुरू हुई ये दोस्ती बीसी तक कब पहुंच गई पता ही न लगा। ना वो अब स्कूल का हाफ टाइम है ना कॉलेज का मास बंक। हाँ, पर इस दरमियां बनी यादें आज भी दिल को छू जाती हैं। वो पहली क्लास में दोस्त के कहने पर किसी की टीचर से शिकायत तो की थी। आगे जाकर किसी ने मेरे दोस्त को मारा था तो उसको मैंने पेंसिल भी चुभा दी थी। जैसे जैसे ये कमीने दोस्त मिलते गए दोस्ती में क्राइम रेट भी बढ़ता गया। फिर कॉलेज में दोस्तों के चक्कर में कभी पीटा किसी को तो कभी पिटे भी बहुत थे। पर कब दोस्ती में स्टैंड लेने से लेकर दोस्त को अब चल गुस्सा थूक दे यार कहकर समझाने लग गए पता ही ना चला। पर अब भी जब नजरें उन चोटों के निशान पे टिकती हैं तो कमीनों की याद दिला जाती है। वाटर बॉटल से एक दूसरे का जूठा पानी पीने से शुरू हुई ये यारी बस इतने पे कहां खत्म होने वाली थी। कोला स्कूल में शेयर की, चाय कॉलेज की कैंटीन में, बियर घर वालों से छुप कर शेयर की, और अब तो कभी कभी एक ही ग्लास में दोनों भाई पूरी विस्की मार लेते हैं। पर अब ना तो उस कोला में स्वाद है और ना ही उतना चढ़ती है। पर अब भी गर्मी में उस कैंटीन वाली चाय और विस्की ऑन द रॉक वाली मुलाकात पे हुई चर्चाएं याद आती हैं तो पूरा सरूर कर जाती हैं। कभी किसी लड़की से बात करते देखा तो बचपन में चिढ़ाते थे ये कमीने। फिर थोड़ा बड़े हुए तो मेरी कॉपी में उसका नाम लिख देते थे जो मुझे अच्छी लगती थी। वो पहला वाला क्रश जिसने एहसास दिलाया कि दिल का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है उसका भी मजाक उड़ाया सालों ने। फिर कभी लव लेटर देने में मदद की तो कभी सेटिंग करवाने में, कभी लड़की पटाने के तरीके बताए तो कभी प्रपोज करने का हौसला भी दिया। फिर कॉलेज में जब सच्चे वाला पहला प्यार हुआ तो क्लास की लकड़ी के बेंच पर दिल बनाकर उसका नाम लिखना भी सिखाया इन्होंने और फिर पूरी क्लास में ये खबर भी फैला दी। पर हाँ, फिर जब पहली बार प्यार में दिल टूटा था इन्हीं गधों ने समझाया भी था और बाद में दिल भर के मजाक उड़ाया भी था। स्कूल से लेके कॉलेज तक इस दिल को कई बार प्यार हुआ, कई बार दिल टूटा भी, पर इसे संभालने के लिए हर बार मेरे दोस्त मेरे साथ थे। ये दोस्ती भी तो प्यार ही है, ये दोस्ती भी तो प्यार ही है बिना प्रपोजल वाला। जब ये याद आते हैं अंदर से रुला जाते हैं। क्लास टेस्ट में कभी हेल्प ना करी तो रूठ जाते थे, इनसे ज्यादा कभी पढ़ लो तो मुंह फुला लेते थे, कभी नंबर कम आ जाए तो सहानुभूति भी देते थे, ज्यादा आ जाए तो गालियां भी सुनाते थे। कभी नोट्स बनाने में हेल्प की तो कभी पूरी क्लास एक साथ बंक की, कभी फेल हो गए तो पॉकेट मनी सेव करके एग्जाम की फीस भी भर दी थी। स्कूल से लेके कॉलेज तक ये हर इम्तिहान में मेरे साथ थे। अब जब ऑफिस की टेंशन हो तो बॉस को गाली और इनका साथ दिल हल्का कर जाता है। आज भी जब मन भर आता है भागते भागते इस जिंदगी की भीड़ में इन्हीं को गले लगाकर कुछ पल थम जाया करता हूँ। फिर गम हो या खुशियां, प्रॉब्लम हो या सेलिब्रेशन, सोल्यूशन इनसे एक ही मिलता है। 30, 60, 90 ml में ये साले पूरी सिचुएशन को संभाल लेते हैं। पहला स्कूल बंक भी तुम्हारे साथ ही था, पहला ट्रिप भी तुम्हारे साथ था, पहली बाइक भी तुमने ही चलानी सिखाई थी, पहली बियर, पहला सुट्टा, पहला मूवी भी तुम्ही ने दिखाई थी। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ ये भी तुम ही लोगों ने सिखाया था, मैं कभी अकेला नहीं हूँ ये हर पल तुम लोगों ने जताया था, सीक्रेट शेयर करना तुम ही से सीखा, आई कैन डू बेटर ये भी तुम ही ने समझाया था, लड़ना झगड़ना फिर प्यार करना जिंदगी जीने का हर मतलब तुम ही लोगों ने समझाया था। बस अब दुआ है मेरी मेरे रब से एक आखिरी, जैसे हर बार में हर पहली बार में तुम मेरे साथ थे, जब छूटे साथ दुनिया का उस पल में भी तुम कमीनों का साथ हो। फ्रॉम चाइल्डहुड टिल योर लाइफ यू विल हैव मैनी फ्रेंड्स, कुछ साथ रहते हैं कुछ दूर हो जाते हैं, बट रिमेम्बर ये आपको ऐसे पल ऐसी यादें दे जाते हैं जिंदगी को जो मीनिंगफुल बना देती है। तो दोस्तों कभी भी टाइम मिले नेवर मिस अ चांस टू मीट विद योर फ्रेंड्स, ये वो कमीने हैं जो अंगूठी के नगीने हैं जिंदगी चमका के रखेंगे। फाइंड सच गुड फ्रेंड, दे विल गिव यू अ मोमेंट्स एंड मोटिवेशंस टू लिव योर लाइफ टेंशन फ्री ऑलवेज।
So friends, if you like this video, kindly share this video with your friends, family and colleagues. If you like this message, please share this video. Subscribe this channel for more such videos. I am your host Ravi Somvanshi, signing off now from this video blog, Rethink Motivation. Thank you friends. Take care. Bye-bye.